अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ कल्याणी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ज्यादा फेमस और डिलीशियस बिरयानी की रेसिपी है, आप लोग इसे जरूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। कल्याणी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल को पानी में भीगने के लिए रख देते हैं। पहले इसे आप अच्छे से धो लें पानी से 3 से 4 बार। धोने के बाद देखिए इस तरह से पानी में भीगने के लिए रख दें। यहाँ पे मैं बासमती चावल 1 किलो ले रही हूँ। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हम 4 से 5 टेबलस्पून तेल गरम कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें डालिए 4 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज। इसका कलर अच्छे से ब्राउन होने तक इसे ऐसे ही फ्राई करते रहिए। प्याज का कलर देखिए कितने अच्छे से लाइट ब्राउन हो गया है। इसे आप चाहें तो और थोड़ा सा ब्राउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें डालिए 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट। इसकी कच्ची भून जाने तक इसे अच्छे से भूनते रहिए। नेक्स्ट हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद इसमें 1 किलो चिकन डाल देते हैं। पीसेस बड़े रख लें, फ्लेम को हाई पे ही रखिए। अब हम चिकन को अच्छे से भून लेते हैं। आप जितना चिकन को इन मसालों के साथ भूनेंगे बिरयानी उतनी ही मजे की बनेगी हमारी। फ्लेम को हाई पे ही रखिए, इसे अच्छे से भून लें और चिकन का कलर भी अच्छा आएगा जब आप इसे अच्छे से भूनेंगे तब, वरना थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट ही दिखेगा बिरयानी में अगर आप इसे सही से नहीं भूनेंगे तो। चिकन को मैंने 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है। नेक्स्ट हम इसमें 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। फ्लेम को आप लो पे रखिए वरना मसाले जल जाएंगे। हल्दी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इन मसालों को डाल के 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें 4 कटे हुए टमाटर डाल देते हैं। टमाटर सॉफ्ट होने तक इसे भी भून लें। थोड़ी देर फ्लेम को अब हाई पे रख सकते हैं और थोड़ी देर लो पे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। नेक्स्ट हम इसमें 6 हरी मिर्च डाल देते हैं। देखिए हरी मिर्च को इस तरह से काट के डालें, थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे मिक्स कर लें यानी भून लें। आखिर में हम इसमें दही डाल देते हैं, लेकिन दही डालने से पहले हम फ्लेम बंद कर देते हैं। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि दही फट जाता है जब हम ग्रेवी में डालते हैं तब, इसीलिए फ्लेम को बंद करके डालें। ये जो हीट होती है ग्रेवी की उसके वजह से अक्सर दही फट जाता है। इस तरह से फ्लेम ऑफ करके डालने से दही नहीं फटेगा। फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसमें दही डाल देते हैं 250 ग्राम। दही को भी अच्छे से फेंट के डालें, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को अभी ऑन मत कीजिए। इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑन करके पकाएंगे। दही की कच्ची बूझ जाने तक इसे ऐसे ही पकाते रहेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। चलिए हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। देखिए मैंने इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट तक भून लिया है, यानी दही डालने के बाद हमारा दही फटा भी नहीं। आप देख सकते हैं दही की जो कच्ची बू है वो भी चली गई है। नेक्स्ट हम लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे चिकन 90% गलने तक। जो बाकी 10% है वो चावल के साथ गल जाएगा। चलिए अब मैं फ्लेम को लो पे रख देती हूँ। इस पर लिड बंद करके हम चिकन को गलने के लिए रख देते हैं। लेकिन बीच बीच में आप चेक करते रहिए। चिकन को गलने के लिए बस से 15 मिनट ही लगेंगे क्योंकि हमने इसे अच्छे से भून लिया है, तभी थोड़ा सा गल गया था। चिकन तो हमारा 90% तक गल चुका है। हाई फ्लेम पे इसे हम और थोड़ी देर पका लेते हैं, ये ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी होने तक। ये ऐसे ही पतली रहेगी तो बिरयानी हमारी सही से नहीं बनेगी। हाई फ्लेम पे इसे भून लें थोड़ा सा गाढ़ा होने तक।
हम इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस भी डाल देते हैं, एक टीस्पून डालिए, ज्यादा नहीं। ये जो ग्रेवी होती है बिरयानी की, इसे माखनी कहते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। अगर आपका दिल बिरयानी खाने को नहीं कर रहा तो आप रोटी से भी इसे खा सकते हैं या पुलाव के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है ये। थोड़े लोग कहते हैं कि हमारे बिरयानी में टेस्ट नहीं आता, इसके कई रीजंस हैं। एक तो ये है कि आपका चिकन या मटन फ्रेश नहीं होगा, हमेशा फ्रेश चिकन या मटन ले लें, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी फ्रेश होना चाहिए, और उसकी क्वांटिटी भी थोड़ा बढ़ा लें, यानी 4 से 5 टेबलस्पून डालें जब आप 1 kg राइस बना रहे हैं तब। और इस तरह से डाल के देखिए आपकी बिरयानी कितनी टेस्टी बनती है। गरम मसाला पाउडर भी होममेड डालें। अगर आपको होममेड गरम मसाला पाउडर की रेसिपी चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसे क्लिक करें, वीडियो ओपन हो जाएगा। अखनी तो हमारे अब तैयार है, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देख लें आप, यह पतली बिल्कुल भी नहीं है। फ्लेम बंद कर देते हैं। नेक्स्ट हम चावल पकाने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। चावल को बॉईल करने के लिए एक बड़े से बर्तन में हम 4 से 5 लीटर पानी गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे मैं चावल 1 किलो ले रही हूँ, 1 किलो के लिए 4 से 5 लीटर। आप जितना ज्यादा पानी यूज करेंगे उतने ही खिले खिले चावल हमारे बनेंगे। इसे बॉईल होने के लिए रख देते हैं। पानी में हम डालेंगे 1 टीस्पून शाहजीरा, 5 लौंग, 3 इलायची और 2 बड़े दालचीनी के पीसेस, थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते। एक टेबलस्पून तेल, इससे चावल अच्छे से खिले खिले बनेंगे। आधे नींबू का जूस, ये भी हेल्प करेगा चावल को अच्छे से पकने में। इसमें आप नमक भी डाल दें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें आप नमक इतना डालिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सूप पी रहे हैं उसमें जितना नमक होता है उतना ही इसमें भी होना चाहिए। इसे टेस्ट करके देख लें, आपको आइडिया आ जाएगा। और जो चिकन की अखनी है यानी चिकन की ग्रेवी, वो भी आप चेक कर लें, यानी चख के देख लें, अगर कम लगा बनाते वक्त तो आप उसमें भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। मेरे और भी बहुत से हैदराबादी चिकन बिरयानी के वीडियोस हैं, आप लोग उसे भी जरूर देखें। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ या इस वीडियो के आखिर में भी शेयर कर दूंगी। इस कल्याणी बिरयानी में मैंने चिकन 1 किलो लिया है। अगर आपको थोड़ी सी ड्राई टाइप बिरयानी चाहिए तो आप चावल 1 किलो डालें। अगर आपको थोड़ी ग्रेवी वाली मसालेदार बिरयानी चाहिए तो चावल की क्वांटिटी थोड़ा कम कर लें, यानी 3/4 kg 750 ग्राम डाल दें चावल। पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो रहा है, भीगने रखे हुए चावल हम इसमें डाल देते हैं। चावल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद चावल को हम पकाएंगे। चावल को बस एक 85-90% तक ही पका लें, बाकी जो 10% है वो चावल के साथ दम में पक जाएगा। बिरयानी में चावल परफेक्ट चाहिए तो एक अच्छे ब्रांड का बासमती चावल ले लें, वो पुराना भी होना चाहिए। यहाँ पे मैं ब्रांड नेम तो नहीं बता सकती, लेकिन अगर आपको इसका ब्रांड नेम जानना है तो कमेंट कीजिए, उसमें मैं आपको बता दूंगी। देखिए चावल कितने अच्छे से पक रहे हैं। चावल हमारे पक चुके हैं, ये जो एक्स्ट्रा पानी है अब मैं फिल्टर कर देती हूँ। पानी मैंने अच्छे से फिल्टर कर दिया है, देखिए चावल कितने अच्छे से खिले खिले बने हैं हमारे। इस रेसिपी का नेक्स्ट प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो अखनी बनी थी इसके ऊपर मैं थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज डाल देती हूँ। आप 4 से 5 मीडियम साइज प्याज को बारीक काट के इस तरह से डीप फ्राई करके रेडी रख लें। थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते भी डाल देते हैं। आखिर में इसके ऊपर हम पके हुए चावल डाल देते हैं। चावल डालने के बाद ये चावल के लेयर को अच्छे से स्प्रेड कर लें, इवनली स्प्रेड कर लें। इसमें हम फ्राई की हुई प्याज डाल देते हैं। थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते, 1 टेबलस्पून घी। मैंने थोड़े से यानी आधे कप दूध में जाफरान मिक्स करके रख लिया था। 2 से 3 चुटकी जाफरान ले लें। जाफरान यानी इंग्लिश में सैफरन और हिंदी में केसर। इस केसर वाले यानी जाफरानी दूध को भी हम डाल देते हैं। अगर आपके पास जाफरान ना हो तो आप येलो फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं।
बिरयानी हमारी अब दम करने के लिए तैयार है। आखिर में हम इसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल लगा देते हैं। इस तरह से एल्यूमिनियम फॉइल लगा के इसके ऊपर लिड बंद करके दम देने से जो अंदर की हीट है वो बाहर नहीं जाएगी और बिरयानी का हर चावल अच्छे से पक जाएगा। उसमें बहुत अच्छा चिकन का जो ग्रेवी का एरोमा भी आ जाएगा। इस तरह से लिड बंद करने के बाद हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसे पका लें, यानी इस वेजल को रख दें हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए। नेक्स्ट हम एक तवा रख देते हैं। तवे के जरिए से हम बिरयानी को दम करेंगे। तवे को हाई फ्लेम पे रख दें और इसके ऊपर ये वेजल रख देते हैं। अब हम हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि हीट जो है तवे के जरिए से इस वेजल के अंदर एंटर हो जाए। इस तरह से दम देने से बिरयानी नीचे से पकड़ेगी नहीं। नॉर्मली विदाउट तवा यानी बिना तवा के अगर आप दम देंगे तो अक्सर नीचे पकड़ लेती है बिरयानी, यानी दाग पकड़ लेता है। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम फ्लेम को लो पे रख देते हैं और लो फ्लेम पे हम इसे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। तभी अच्छे से दम होके हमारी बिरयानी मजेदार बनेगी। हर दाने में चिकन की जो ग्रेवी है उसका एरोमा एंटर हो जाएगा। बहुत ही मजेदार कल्याणी बिरयानी हमारे अब तैयार है। चलिए अब हम लिड ओपन करके देख लेते हैं। फ्लेम बंद कर दें और ये एल्यूमिनियम फॉइल धीरे से निकाल दें। देखिए कितनी मजेदार लग रही है ये, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितनी मजेदार लग रही है। चिकन का पीस भी देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से गल चुका है ये। देखिए लग रही है ना काफी मजेदार। देखिए कितनी मजेदार लग रही है, आप लोग इसे जरूर ट्राई करें। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनने वाली है और इजी भी है ये। अगर आपको और भी मजेदार चिकन और मटन बिरयानी के रेसिपीज चाहिए, यानी हैदराबादी चिकन बिरयानी और हैदराबादी मटन बिरयानी, तो मेरे चैनल में सर्च करें। इस वीडियो के नीचे भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी और इस वीडियो के लास्ट में भी लिंक शेयर कर रही हूँ मैं। अगर आपको बघारे बैंगन का वीडियो चाहिए, यानी जो बिरयानी के साथ खाते हैं, उसका वीडियो भी मिल जाएगा। और अगर आपको दही की चटनी का वीडियो चाहिए तो मेरा दूसरा चैनल है वेज विद फैम, वो विजिट कर लें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ हैदराबादी चिकन दम बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रमजान स्पेशल पक्की यखनी की दम बिरयानी है। तो चलिए ये मजेदार रेसिपी अब हम शुरू करते हैं। बिरयानी बनाने से पहले मैं आपको बिरयानी में हम जो स्पाइस पाउडर यानी गरम मसाला पाउडर डालते हैं उसकी रेसिपी दिखा देती हूँ। आप लोग रेडीमेड गरम मसाला पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप इसे घर में बनाएंगे तो बिरयानी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, इसीलिए मैं ये भी आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मिक्सर के जार में 3 टेबलस्पून धनिया के सीड्स यानी कोरिएंडर सीड्स डाल दें, 1 टीस्पून सौंफ यानी फेनल सीड्स, शाहजीरा 1 टीस्पून। अगर आपके पास शाहजीरा ना हो तो आप नॉर्मल जीरा भी यूज कर सकते हैं। काली मिर्च 2 टीस्पून, 2 तेजपत्ता, तेजपत्ता के छोटे छोटे पीसेस कट करके डालें, 2 चक्रफूल यानी स्टार एनिस, 12 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 20 लौंग, दालचीनी के छोटे छोटे 20 पीसेस, पीसेस को छोटे छोटे तोड़ लें, जायफल का छोटा सा पीस यानी नटमेग, थोड़ी सी जावित्री। हम इन सभी को एक बारीक पाउडर की तरह पीस लेते हैं। हमारा स्पाइस पाउडर यानी गरम मसाला पाउडर अब ग्राइंड होके तैयार है। आप इसे बिरयानी में, पुलाव में या किसी भी चिकन या मटन की रेसिपी में डाल सकते हैं।
अगर आपके पास इन इंग्रेडिएंट्स में से यानी इस गरम मसाला पाउडर में मैंने जो इंग्रेडिएंट्स डाले थे इसमें से अगर आपके पास थोड़े दो या तीन इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से फ्रेश होममेड गरम मसाला पाउडर बना के रख लें, आपके रेसिपीज बहुत ही मजेदार बनेंगे। चिकन बिरयानी बनाना अब हम स्टार्ट करते हैं। बिरयानी का फर्स्ट स्टेप है चिकन को मैरिनेट करना। यहाँ पे मैं 1 किलो चिकन ले रही हूँ। चिकन के बड़े साइज में पीसेस कट कर लें। चलिए अब हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं मैरिनेशन के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये स्पेशल अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे डाल देते हैं। स्पाइस पाउडर यानी गरम मसाला पाउडर जो हमने वीडियो के स्टार्ट में बनाया था वो मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून नींबू का जूस, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालिए वरना स्किप कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, दही 300 ग्राम, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से डाल लें। 2 मीडियम साइज प्याज को बारीक कट कर लें। कट करने के बाद उसे डीप फ्राई कर लें और डीप फ्राई करने के बाद प्याज को थोड़ा सा क्रश कर लें। क्रश करके हम इसमें डाल देते हैं। थोड़े से पुदीने के पत्ते और थोड़े से धनिया के पत्ते, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने यहाँ मोटा मोटा सा पीस लिया है। ये आप इसे बारीक पेस्ट की तरह भी पीस के डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के पीसिए। इसे डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून घी। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। 1 किलो चिकन के लिए हमें चाहिए 1 किलो बासमती चावल। चावल को आप अच्छे से 2 या 3 बार पानी से धो लें ताकि उसमें जो स्टार्च होता है वो अच्छे से निकल जाए। चावल को धोने के बाद इसे पानी में भीगने के लिए रख दें। देखिए कम से कम इतनी फिंगर आपकी डिप हो जानी चाहिए, उतना पानी में आप इसे सोक करें। इसे हम 1 घंटे के लिए ऐसे ही रख देते हैं भीगने के लिए। पैन में हम 5 टेबलस्पून तेल गरम कर लेते हैं। ये वही तेल है जिसमें हमने प्याज तली थी। हाई फ्लेम पे तेल को हम गरम होने के लिए रख देते हैं। तेल गरम हो चुका है, हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देते हैं। मैरिनेट किया हुआ चिकन डालने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेते हैं। हाई फ्लेम पे मैंने चिकन को 10 से 15 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब मैं फ्लेम को लो पे रख देती हूँ और लो फ्लेम पे हम चिकन को 80% गलने तक गलाएंगे। चिकन गलने के लिए यानी 80% तक गलने के लिए 20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है, क्योंकि चिकन के पीसेस बड़े साइज में हैं। या ये चिकन के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसीलिए आप बीच बीच में चेक करते रहिए कि चिकन 80% तक गला है या नहीं। इस पे लिड बंद कर देते हैं। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा ऑलमोस्ट 80% तक गल चुका है। फ्लेम को हाई पे रख दें और हम इस ग्रेवी को थोड़ा सा सुखा लेते हैं। तेल अच्छे से नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी ग्रेवी अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ और हम इस रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। एक बड़े वेजल में हम 3 से 4 लीटर पानी बॉईल होने के लिए रख देते हैं। 1 किलो चावल के लिए हम 3 से 4 लीटर पानी ले रहे हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, यहाँ पे हम 2 से 3 टीस्पून ले सकते हैं। तेल 1 टेबलस्पून, 1/2 टीस्पून शाहजीरा, दालचीनी के 4 से 5 छोटे छोटे पीसेस,
3 इलायची और 4 लौंग। इसे मिक्स कर लें। आप जितना ज्यादा पानी लेंगे उतने ही खिले खिले चावल हमारे पकेंगे। इसे मिक्स करने के बाद आप थोड़ा सा पानी चख के देखें। नमक इसमें इतना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सूप पी रहे हैं उसमें आपको कितना नमक लगता है उतना ही इसमें भी चाहिए। आप टेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पानी पक रहा है, भीगने रखे हुए चावल हम डाल देते हैं। चावल डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेते हैं। हाई फ्लेम पे अब चावल को अच्छे से पकने के लिए रख देते हैं हम। चावल हमारे देखिए 70-80% तक पक चुके हैं। इसके लिए हमें बस एक 5-10 मिनट ही लगेंगे। अब मैं इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो स्ट्रेन कर लेती हूँ, यानी निथार लेती हूँ। चावल को मैंने स्ट्रेन कर लिया है, देखिए। अब हम इस रेसिपी के लास्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। एक बड़े वेजल में हम सबसे पहले थोड़ा सा घी डाल देते हैं। घी डालने के बाद हम इस पे सबसे पहले चावल की लेयर बना देते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ये चिकन की अखनी डाल देते हैं। फिर से इसके ऊपर दूसरा चावल का लेयर बना लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना डाल दें, थोड़े से धनिया के पत्ते। दूध में हम थोड़े से जाफरान के स्ट्रैंड्स डाल के रेडी रख लेते हैं, इससे अच्छा कलर आएगा। ये भी डाल देते हैं। थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज यानी तली हुई प्याज और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी इसके ऊपर डाल देते हैं। बस एक चुटकी डालें। फिर से चिकन का एक लेयर डाल देते हैं। इसके ऊपर फिर से चावल का लेयर, फिर से इसके ऊपर प्याज धनिया के पत्ते और पुदीना डाल देते हैं। थोड़ा सा घी भी डाल दें। फिर से चिकन की अखनी का लेयर, आखिर में फिर से चावल का लेयर। इस पे तली हुई प्याज डाल देते हैं। ये हमारा आखिरी लेयर है। जाफरान का दूध, थोड़ा सा घी, एक चुटकी गरम मसाला पाउडर। ये होममेड गरम मसाला पाउडर है। इसके ऊपर अब लिड बंद कर देते हैं। अगर आपके पास एक पुराना तवा हो तो इसे हाई फ्लेम के ऊपर रख दें और इसे हाई फ्लेम के ऊपर गरम कर दें। तवा अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम तवे के ऊपर ये वेजल रख देते हैं बिरयानी का। इस वेजल को ऐसे ही हाई फ्लेम पे तवे के ऊपर एक 5 मिनट के लिए रख दें, ताकि हीट इस तवे के जरिए से इस वेजल में अंदर तक अच्छे से एंटर हो सके। मैं इसके ऊपर एक कपड़ा रख देती हूँ। आप मलमल का कपड़ा रख सकते हैं। और इसके ऊपर हम लिड बंद कर देते हैं। इस तरह से रखने से स्टीम बाहर नहीं जाएगी। आप चाहें तो एल्यूमिनियम फॉइल भी रख के क्लोज कर सकते हैं। ये अच्छे से सील हो चुका है। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को लो पे रख देती हूँ और लो फ्लेम पे हम एक आधे घंटे के लिए रख देंगे ऐसे ही, यानी दम पे। चिकन और चावल अच्छे से साथ में पक जाएंगे। इस कपड़े को रखने के बाद इसे इस तरह से टर्न कर लें, वरना नीचे से ये जल सकता है। आधा घंटा हो चुका है। अब हम लिड ओपन करके देख लेते हैं। देखिए, मजेदार बिरयानी हमारी अब तैयार है। इसमें थोड़ी देर के लिए स्पून मत डालें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्म है और चावल टूट सकते हैं। इसे ऐसे ही लिड बंद करके हम एक 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं, लेकिन फ्लेम को बंद कर दें।
15 मिनट के बाद ही आप इसे सर्व करें। कमेंट्स में जरूर शेयर करें आपको मेरी आज की ये हैदराबादी दम बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और इस वीडियो को शेयर भी करें। अस्सलामुअलैकुम।